मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आज हम यशुआ नबी की बाइबल स्टोरी देखेंगे। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। हाय, हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। इफ्राहिम के कबीले से नून का बेटा यशुआ 1500 काफ मी में मिस्र की गुलामी के दौरान पैदा हुआ और इसका खानदानी नाम होशिया नजात रखा गया। गिनती की किताब में लिखा कि बड़ी इसराइल के मुल्क मिस्र से आजादी के 2 माह बाद इसे मूसा के सिपा सलार मुकर किया गया और इसने एक मालिकी हमले को बड़ी कामयाबी से बिशापा कर दिया। रूज की किताब में लिखा है इसका नाम यशुआ भी था, मगर मूसा ने इसका नाम उसे से तब्दील करके यशुआ रख दिया, जिसका मतलब यहोवा नजात है। यशुआ कोहे सीना पर मूसा की खिदमत में हाजिर था। रूज की किताब में लिखा और इसने मूसा के खेमे और इसके मनसब की हिफाजत की। मुल्क मुआद में दाखिले से कबल वो फ्राइम के कबीले की तरफ से कनान की जासूसी करने के लिए गया। इसने ज्यादा लोगों की तरफ से दी जाने वाली रिपोर्ट की मुखालफत की और कहा कि अगर हम दाउन खुदा के वफादार रहेंगे कुनान की फतह याबी मुमकिन है। नतीजा के तौर पर वो संस्कार किए जाने की खतरा में पड़ा क्योंकि यशुआ ने खुदावन की पूरी पैरवी की। गिनती की किताब में लिखा है लिहाजा बाद अजा वो न सिर्फ हलाक होने से बच गया बल्कि कालब के हुमरा से भी यकीन दहानी कराएगी कि वो मुल्क मुआद में दाखिल होगा। खुदावन खुदा ने यर्दन के मुशरिक में यशुआ को मूसा का जानशीन मुकर किया। अपने ईमान और वफादारी की बदौलत यशुआ को वैसी ही सरफराजी मिली जैसी उसके आका मूसा को हासिल थी। यशुआ ने 110 साल की उम्र में वफात पाई। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर ऑन करें।